इम्पोर्ट एंड इम्पोर्ट। इसके बाद ओपन कर लेंगे इसको एंड इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, बस ओके कर लेंगे। ये हमारे यहाँ पे इधर आ गया है, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट 00 रख लेंगे। आप लोग हम इसमें काम करते हैं। जी इसे ग्राफ बंद कर लेते हैं। अब हम लोग इसके ऊपर लाइन से करेंगे। स्नैप टॉगल को ऑन कर लेंगे एंड इसमें आप ले लेंगे वर्टेक्स। हम लोग को इसमें थोड़ा मेहनत करना होगा, सबको बनाना पड़ेगा। इधर मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं। शिफ्ट दबा के आप सीधा कर सकते हैं। ये लाइन भी हम लोग से मिस्टेक हो गया है। आई होप सारा हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक ले लेते रेक्टेंगल बाहर से। अब सारा को हम लोग करेंगे एक्सट्रूड। इसको हम लोग कर लेंगे हाइड। अच्छा एक बॉक्स देखिए नहीं हुआ। हाइड करने से एक ही फ़ायदा होता है कि आपको पता चला था कि आप कहाँ मिस्टेक की हो। देखिए एक नहीं हुआ, तो इसको हम लोग अनहाइड ऑल करके इस जगह पे हम लोग कर लेते हैं दोबारा। अब कर लेते हाइड। अब परफेक्ट। हम लोग एक ही बार में कर लेते हैं एक्सट्रूड, देखते हैं। ये प्रेस करके एक बार में नहीं होगा, एक करके करना पड़ेगा। दवाई नहीं लाई।
सब जगह एक्सट्रूड करना है, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं। हम लोग को कोई चीज़ नहीं छोड़ना है, सब कर लेंगे स्मॉल से स्मॉल तक, फाइनली इसको करेंगे। बेसिकली हमारा ये मॉडलिंग क्रिएट हो गया है, इसके बाद हम लोग इसको अच्छा से सजाते हैं फ्रंट व्यू में जाके। सबसे पहले अब देखिए जो लाइट है इसके अंदर से क्रिएट होगा, इसके अंदर लाइट लगेगा, तो उसके लिए अंदर आप जब भी देखेंगे कोई भी फंक्शन देखोगे तो आप लोग ध्यान दियोगे कि अंदर में गैप रहता है। अंदर अगर गैप नहीं रहेगा, मान लीजिए अगर इसके अंदर में गैप नहीं रहेगा तो स्ट्रिप लाइट कहाँ लगेगा, तो हम लोग को इसके अंदर में गैप रखना है वो लाइट के लिए, तो हम लोग उसको बना लेते हैं। को थोड़ा स्केल करके इसको ऊपर कर देते हैं तो हम लोग को शॉर्टकट में काम बन जाएगा और हमारा इफ़ेक्ट है वो सेम आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा। देख लेते हैं थोड़ा और रहेगा, बस अब लाइट जो होगा सबका अंदर में रहेगा, तो क्या करते हैं इसको भी हम लोग हाइड कर लेते हैं, हाइड सिलेक्शन, ताकि इसका पीछे हम लोग लाइट दे सकते हैं, समझ गए ना। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले अटैच कर सकते हैं, एक ऑप्शन है, उससे क्या होगा एक बार में सब बन जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अटैच आपको यहाँ मिल जाएगा, ये शॉर्टकट में हो जाएगा आपका काम, नहीं तो लॉन्ग कट में जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा और हमारा जो आउटपुट होगा वो सेम देगा, तो हम लोग जितना हो सके उतना टाइम को बचा के काम करें। एक छूट गया ये देखो, ठीक है पहले उसको कर लेते हैं अटैच। हाँ हो गया, इसको हम लोग इंसेट करके लगभग फिर ओके एक्सट्रूड कर लेंगे थोड़ा बाहर की तरफ इस तरीके से। इसका दो तरीका है, पहले मैं आपको फर्स्ट स्टेप दिखाऊंगा एंड नेक्स्ट वीडियो में आपका सेकंड स्टेप दिखाऊंगा लाइटिंग का कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्योंकि लाइटिंग जो है ये एक बिग सब्जेक्ट है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, तो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है सब चीज़ सिखाना, तो मैं आपको पहला स्टेप सिखाऊंगा एंड सेकेंड स्टेप आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा इसी के ऊपर। इसको पहले सेव करते हैं, कहीं अगर हैंग हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा।
आई होप सारा हो गया है, कुछ बच गया होगा तुम लोग लास्ट में भी कर सकते हैं सब। हाँ ये बच रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर हम लोग लाइट डालेंगे, मटेरियल में जाके पहले हम लोग वीरे ले लेते हैं, इसमें से हम लोग वीरे लाइट मटेरियल में काम करते हैं। इसका पावर 10 ले लेते हैं अभी के लिए, फिर चेंजेस कर सकते हैं बाद में कैसा आउटपुट आता है। तो सबसे पहले इसका कलर कर लेते हैं फॉल सीलिंग का वाइट में। फुल वाइट, अब लगा देते हैं मटेरियल, येलो टाइप का कलर दे देते हैं। और दोस्तों आप अगर सेम कलर चाहिए तो एक ऑप्शन और दिखाता हूँ, ताकि आप कलर में खुद से ना बना के सेम कलर को यहाँ पे ला सकते हैं। उसका नाम है ये पिक टूल से, आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसको पिक कर सकते हो। ये देखो सेम का सेम इधर में आ गया, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, उतना RGB को लेके ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फटाफट हो जाएगा। ओह ओके करना भूल गया, सॉरी। एंड फिर पुट कर देंगे मटेरियल। यस हो गया। अब क्या करते हैं अनहाइड ऑल, अब हम लोग थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे। अब सबको हम लोग क्या करते हैं ग्रुप, कुछ भी नाम दे सकते हो या फिर नहीं भी देने से भी चलेगा। एंड मिरर, और एक छोटा सा रूम क्रिएट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, टाइम नहीं लगेगा एक रूम बनाने में, फटाफट हो जाएगा। एंड 10 feet, इसको भी कर लेते हैं 10 feet, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं बॉक्सेस को। पॉलीगन इसको डिलीट, एक को भी लेते मटेरियल फटाफट। कैमरा ये रेंडर सेटअप का एक ऑप्शन है, मैं आपको एक वीडियो बना के सारा इसका सेटअप दिखा दूंगा, ताकि आपका और रियल रेंडर आ सके। तो मैं कॉमन से एक सेटिंग कर लेता हूँ फटाफट। इमेज फिल्टर में ले लेते कैटमल रोम, बस
अब हम लोग फॉल्स सीलिंग पर ज़्यादा फोकस करेंगे, तो कैमरा को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इस तरीके से, एक रेंडर करके देखते हैं फिर हम लोग चेंजेस करेंगे इसमें क्या क्या और कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, लाइटिंग का और थोड़ा पावर बढ़ाना पड़ेगा, लाइट कम आ रहा है। कैमरा में भी कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं, कुछ चेंजेस करना है तो कर सकते हैं हम लोग। कैमरा की सेटिंग भी आपको लिखा चुके हैं, यूट्यूब में मेरा चैनल में मिल जाएगा आपको। ये देखिए अब आपका वो पहले से बेटर आ रहा है। ये मैं आपको जो सेटअप दिखाया हूँ वो बहुत ही लो में करके रखा हूँ, अगर इसको हाई कर देंगे तो टाइम बहुत लगेगा, बट आपका जो क्वालिटी है वो बहुत सुंदर आएगा रेंडर। ये आप देख सकते हैं कितना बहुत ब्राइट आ रहा है, क्योंकि हमारे पास और कोई सीन नहीं है पीछे में या और कोई लाइट नहीं है, उसकी वजह से पूरा दीवार में भी येलो हो जा रहा है। अगर हम लोग के पास अगर कुछ का सीन होता, अच्छा एक बार करके देख लेते हैं, एक इन्वायरमेंट को हम लोग ऑन कर सकते हैं उसके, तब आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या लाइट जो बेसिकली आपको दिखाना चाहते हैं। ये जो लाइट है, लाइट क्योंकि इस रूम में और कोई लाइट नहीं है फॉल सीलिंग के अलावा, इसके वजह से क्या हो रहा है कि ये जो लाइट येलो आ रहा है वो पूरा दीवार पे, पूरा रूम येलो येलो लग रहा है। अगर हमारे रूम पे अगर कुछ एक्स्ट्रा लाइट होता, जैसे कि स्पॉट लाइट या ट्यूब लाइट या पीछे में कोई लाइट सीन का, तो इतना येलोइश नहीं आता। तो हम लोग और इसके लिए हम लोग एक इन्वायरमेंट को ऑन करने से वो चीज़ ठीक हो सकता है। पहले से आई होप एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं फ़िलहाल, कोई बात नहीं, एक प्रेस करके एक इन्वायरमेंट ले लेते हैं। इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है। ये देखिए एग्जैक्टली मैं इसी को बोलना चाहता था। को ये वार्निंग मैसेज को साइड कर देते हैं, देखें तो एक्चुअली इस रूम में और कुछ भी नहीं है। अगर इस रूम में अगर बढ़िया से कुछ भी होता, जैसे बेड सोफ़ा या बहुत सारा प्रॉक्सी होता, तो हमारा जो रूम है और भी ज़्यादा अच्छा होता। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। ये एक इसका इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है, एक बाहर से लाइट आ रहा है इसके अंदर में, एंड इसके बाद ये वाइट हो गया। तो आप दोनों यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इन्वायरमेंट नहीं चाहिए तो वो भी रूम ठीक ही लग रहा था, अगर आप पूरा बढ़िया से करोगे लाइट वाइट लेके, तो ये सेम उसके जैसा आ जाएगा। तो दोस्तों अगर इसमें कुछ डाउट होगा तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, आई होप समझ गए होंगे। एंड जो सेकेंड क्लास होगा इसका वाला पार्ट टू, उसमें दिखाया जाएगा कि हम लोग वेरे मटेरियल से ना बना के कुछ और लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। तो बाकायदा दोनों ही सेटअप में आपका रेंडर सेम ही आएगा, दोनों का ही लगभग सिमिलर ही है, तो उसको भी हम लोग दिखा देंगे क्लास में ओवर, ठीक है ना।
तो अगर दोस्तों अगर और भी आप लोग का कुछ डिमांड है या कुछ भी ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। अगर जिसका ज़्यादा कमेंट आएगा, अगर जिसका ज़्यादा अच्छा लगेगा तो मैं उसको अपना यूट्यूब में दिखाऊंगा, बना के क्लासेस दूंगा। एंड दोस्तों हम लोग का एक ऑनलाइन क्लास चलता है, आप चाहे तो वहाँ पे सीख सकते हो पूरा डिटेलिंग में हमारा हर एक चीज़। तो वो मुझे डिस्क्रिप्शन में लिया वो नंबर, आप उसमें कॉन्टेक्ट करके ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।